देखिए सीरियल्स की दुनिया बड़ी कमाल की होती है, या तो सुपर कॉम्प्लिकेटेड होती है या फिर सुपर अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। फिलहाल तो सीरियल इस मोड़ पर आते ही को देखकर ऐसा लग रहा है कि लाइफ इतनी सरल होती तो बात क्या होती। मतलब जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए नहीं परागी को आईएएस की पढ़ाई करते हुए, और लीजिए अब तो वो आईएएस ऑफिसर भी बन गई। यहाँ पर तो असल जिंदगी में बेचारे बच्चों के ना पसीने छूट जाते हैं। अभी तो परागी गई थी आईएएस की ट्रेनिंग के लिए, और ये देखिए उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई और वो अब लौटी है आईएएस ऑफिसर बनकर। पूरा मोहल्ला इतना खुश है और साथ ही परागी की माँ और उसका पति भी कि अब परागी आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, और जिस वक्त का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो वक्त आ चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही खास मोमेंट है हम सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए, संजय के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अमेजिंग सा है कि मोमेंट है जो हम सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब एक माँ के लिए बहुत ही फक्र की बात है कि उसकी बेटी ने उसके पति का सपना पूरा किया। और एक पति के बारे में भी तो बात करेंगे जो अपनी पत्नी को हमेशा आगे बढ़ा देखना चाहता है। संजय भी तो कुछ ऐसा ही है। खैर परिवार वाले और मोहल्ले वाले तो बहुत खुश हैं परागी को आईएएस बनते देख, लेकिन सासू माँ अभी भी खुश नहीं है क्योंकि सासू माँ के दिल में अब भी वही दर्द है। परागी और संजय की शादी में उनके साथ जो हुआ वो अभी तक भूली नहीं है। तो मैं हमेशा एक ही बात फील करता हूँ कि जब भी कोई लड़की किसी लड़के से आगे निकलती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मुझे ये तो बड़ी स्ट्रांग सी फीलिंग है कि समाज वही सबसे खूबसूरत है जहाँ लड़कियों को सम्मान मिलता है, जहाँ नारी को एक शक्ति के रूप में माना जाता है। क्योंकि शिव के साथ जो अर्धांगिनी है वो शक्ति है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं शक्ति के रूप में मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति जो है वो क्षीण ही होगी, वो कम ही होगी। अब सासू माँ आपकी बहुरानी आईएएस बन गई है तो आपको खुशी से झूमना चाहिए क्योंकि अब वो हर गलत चीजों पर आवाज उठाएगी जो देखकर आप भी बहुत खुश होंगी। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।